मैं उसे बचपन से जानती हूँ, जिंदगी अजीरन बनाई हुई थी उसने मेरी, और आप लोगों के सामने इस घर में मीसनी बनी हुई है। देखो तुम खामखा उस पर इल्जाम लगा रही हो। अदील, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ, वरना तुम्हें एक टका नहीं देती, समझे? बस सासू माँ यही समझ ले कि उसी मोहब्बत का मैं नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। कैसा मेरा नसीब है। बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों मुझे सारी रात सुकून से नींद नहीं आई। क्यों, आपको क्यों ऐसी बेचैनी हो गई थी? मैडम मेरा जो काम था वो तो मैंने कर दिया है। हाँ उसकी तो आसिफ ने भी तारीफ की थी। अब आगे क्या होता है क्या नहीं इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना। शिप रवाना हो चुका है। अच्छा, यानी सब क्लियर हो गया? तो फिर तुमने मुझे इस मस्तानी का आस्ताना क्यों दिखाया? ना तुम मुझे वहां लेकर जाती, ना हम ऐसा करते। वैसे मुझे लगता है आज रात कुछ बुरा होने वाला है तड़का लगा के। ऐसा क्या होने वाला है? अचानक क्या हो गया नीला तुम्हें? प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। ला 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 ला। ला 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 ला। अरे अम्मा तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। बड़ा खुश नजर आ रही हो। हाँ भाई, दुश्मन की हालत देखकर तुझे खुशी नहीं हो रही? हो भी रही है और नहीं भी हो रही। ये क्या बात हुई, जब मैं खुश हूँ तो तुझे भी खुश होना चाहिए। वो अम्मा ऐसी बात है ना कि मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैंने तो तुझ पे जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए ना। मम तुम्हारी जबान के ब्रेक फेल हो गए तो तुमने जादू टोने का सहारा लेना शुरू कर दिया। जिंदगी में ना इंसान को हर चीज को आजमाते रहना चाहिए, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो। मगर मुझे तो उस बेचारी पे बहुत तरस आ रहा है। अपनी माँ पर तरस नहीं आ रहा तुझे? क्यों, मेरी मॉम को क्या हुआ है? अच्छी खासी मुश्तंडी बैठी है मेरे सामने। सुधर जा सुधर जा, तू नहीं सुधरेगी। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब करके हमें क्या फायदा होगा। फायदा हमेशा ना माली फायदा जरूरी नहीं होता। तो फिर? तो ये कि दिली सुकून भी एक बहुत कीमती चीज होती है, और यकीन जान ये सब देख के ना मेरे दिल में तो ठंड पड़ गई। अम्मा तुम अपने ठंड के चक्कर में ना मेरे मामले को ठंडा ना कर देना। तेरा कौन सा मामला आ गया भाई? वो ही हिस्से वाला। हद हो गई है, मरो मत, मिल जाएगा तुम्हें हिस्सा, दे दूंगी हिस्सा। हद है। हेलो मिस्टर, खैर तो है? कोई मसला है? बड़ी बेचैन लग रही है। पता नहीं क्यों शौकत, मेरा दिल बहुत बेचैन है। कहीं अनिला भाभी की वजह से तो नहीं? हाँ जाहिर है। वैसे रेशमा तुम क्या कहती हो, उनकी ये हालत कैसी हुई है? मैं क्या बता सकती हूँ, डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ रहा। वैसे रेशमा मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ तड़का लगा के? ये किसी ने शरारत की है। शरारत किसने की? तुमने? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम क्या कहती हो कि ऐसी शरारत कौन कर सकता है। मुझे क्या पता, तेरा दिमाग तो सही है। वाह भाई, इसके तो तेवर ही चेंज हो गए। शुक्र तू तो गया भाई। कहाँ रह गई?
जी बोले, आपने बुलाया था? हाँ शुक्र है तुम आ गई। जी बोले, क्या काम है? अरे काम तो तुम बहुत अच्छा कर चुकी हो, बस तुम्हें दाद देनी थी। जी वो तो मैं ही जानती, मेरी क्या हालत हो रही है। अरे अपनी हालत को संभाल के रखो, अगर किसी को शकवक हो गया तो। जी यही सोच के तो मैंने काफी काबू पा लिया। शाबाश जी, अब क्या काम है तड़का लगा के? अरे तुम्हें जैसी फुर्सत मिले ना माई मस्तानी के पास चक्कर लगा लेना। जी वहां से कुछ लाना है? अरे कुछ लाना नहीं है। जी फिर क्या पैगाम देना है? बस तुम माई मस्तानी को जाकर कहना कि उनका जादू मंत्र काम कर गया है। हाँ जी वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ रकम दूंगी, वो माई मस्तानी को दे देना और उसमें से कुछ पैसे तुम रख लेना। बहुत शुक्रिया जी तड़का लगा के। हाँ तड़का लगवाऊंगी, लेकिन एक और बात, अगर वो कुछ तावीज वगैरह देना तो वो संभाल के लेके आ जाना, ठीक है? जी सही। चलो मेरा ऑफिस है, मेरी बदनामी होगी, मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? ये यकीन ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूं। काफी दफा सोचा कि तुम्हें बताऊं लेकिन बता नहीं सका। जो भी बात है मुझे बता दे। आपको तो पता है कितना बर्दाश्त है मुझे। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन तुम घर बैठ के क्या कर सकती हो? घर बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कैसी तबीयत है अनिला की? कोई खास फर्क नहीं है डैड। तो फिर मेरा मशवरा है कि उसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बट डॉक्टर ने कहा था कि अनिला की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी हाँ डैड, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इतनी प्यारी लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली, शी सो यंग, न जाने किस बीमारी में फंस गई। अगर इंसान जिंदा है तो ये सब परेशानियां तो झेलनी पड़ती हैं। ये तो हकीकत है। तुम भी आराम नहीं कर पा रहे होगे। कैसा आराम डैड, आप तो जानते हैं अनिला में मेरी जान फंसी हुई है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कैसे आना हुआ? बड़ी बेगम साहिबा की तरफ से शुक्रिया का पैगाम आया। किस बात का शुक्रिया? बड़ी बेगम साहिबा ने कहा आपका मंत्र काम कर गया। कौन सा काम? अनिला बीबी की ना हालत बहुत खराब हो गई है और अब वो होश में भी नहीं है। अच्छा वो काम। बड़ी बेगम साहिबा ने कुछ पैसे भिजवाए हैं आपके लिए।
अपनी बेगम साहिबा को कहना मस्तानी ने पूरी रात मंत्र किए हैं, आग के आगे जली हूं मैं। बेगम साहिबा कह रही थी कोई और तावीज बनाया तो वो भी दे दें। नहीं, अभी किसी तावीज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो फिर मैं जाऊं? हाँ। उफ अल्लाह, क्या जमाना आ गया है। तौबा तौबा तौबा। किस बात की तौबा कर रही हो? खुदा किसी को ऐसी सजा ना दे। भाई तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अनीला की और किसकी बात करूंगी, इसमें सजा का मामला कहां से आ गया? अच्छा, सजा ना कहूं तो फिर क्या कहूं? तो उसे ये सजा क्यों मिली? इसलिए कि वो साफ दिल की लड़की है। क्या साफ दिल की लड़की है? खाक साफ दिल की लड़की है? मैं उसे बचपन से जानती हूँ, जिंदगी अजीरन बनाई हुई थी उसने मेरी, और आप लोगों के सामने इस घर में मीसनी बनी हुई है। देखो तुम खामखा उस पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे क्या जरूरत पड़ी इल्जाम लगाने की, मैं तो वो कह रही हूँ जो हकीकत है। अच्छा खैर, रहने दो। खुदा बचाए ऐसी सजाओं से भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है कहीं मुझे ऐसी सजा ना भुगतनी पड़े। हर इंसान अपने किए की सजा भुगतता है, इसे कार्मा कहते हैं। सही कह रहे हैं, अब देखें ना कौन सजा भुगत रहा है। अदीवी कह रहा था कि दिन ब दिन उसकी हालत में बेहतरी आ जाएगी। आ ही ना जाए। बिचारी किस हालत में पड़ी है। तुम ही थी ना जिसने मेरे अदील को मुझसे छीना था, और अब तुम अपनी नाक पर बैठी मक्खी तक नहीं भगा सकती। तुम्हारी इस हालत पे अफसोस भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। मुझे तो लगता है ये दुनिया जल्द ही तुम्हारे वजूद से पाक हो जाएगी और अदील मेरा हो जाएगा। आदि देख रही है उसकी हालत क्या हो गई है। हाँ, मेरी दुआ है कि ये जल्द ठीक हो जाए। आमीन। अदील, तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। Sure. मैं चलती हूँ। Thank you.
कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? यार्ड गया हुआ था। इजहार था वहाँ? नहीं आज वो नहीं आया, उसने बताया कि अनिला की तबीयत खराब थी इसलिए सब वहीं पर हैं आज। क्या हुआ अनिला को? ज्यादा तो पता नहीं लेकिन उसकी बातों से अंदाजा होता है कि कोई जादू आदू का मामला है। अनिला और जादू, बात कुछ समझ नहीं आ रही मेरी। अगर आप कहती हैं तो मैं मजीद मालूमात करूं। मैं खुद मालूम कर लूंगी। ठीक है। रेशमा बात सुनो, कहां गई थी तुम? कहीं नहीं, मैं तो इधर ही हूं। रेशमा मैंने खुद तुम्हें देखा है कि तू कहीं गई थी। हाँ वो बाजार गई थी सब्जियां लाने। क्या यार तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। लो मैंने क्या झूठ बोल दिया है तड़का लगा के? रेशमा क्या ये झूठ नहीं है कि तुम बाजार गई थी? पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। देख रेशमा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कहाँ गई थी। कहाँ गई थी? मैं बताऊँ? तुम अस्ताने पे गई थी। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, वो तो मैंने इत्तफाक से देख लिया था। अब बताओ। क्या बताऊं? सच सच बताओ कि तू किस चक्कर में गई है वहां। सच्ची सच्ची बता दूं? जहरा रेशमा मैं सच सुनने के लिए तो खड़ा हूं यहाँ पे। वो ना मैं अपनी और तुम्हारी शादी के लिए ना तावीज लेने गई थी। अच्छा तो ये बात है। हाँ ना मैंने माई से कह दिया हमारी शादी में कोई भी रुकावट है ना जल्दी से दूर हो जाए। ठीक है वैसे तुम ना ये अस्ताने वाने पे जाने पे ना जरा थोड़ा प्रेस किया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है। कहाँ जा रही हो? बड़ी बेगम साहिबा को पानी देने। भाई देखिए आपके बुटीक के जो कपड़े हैं ना वो मुझे समझ नहीं आए हैं, तो मेहरबानी करके वो कपड़े आप वापस मंगा लें, इन कपड़ों के मैं पैसे नहीं भिजवाऊंगी जी। अब बात सुनो, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी प्यारी सासू माँ। पहली बात तो ये मुझे तुम और तुम्हारा ये सासू माँ कहना नहायत ही जहर लगता है। तो सासू माँ आप है ना जहर से दूर रहा करें, जहर इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। नहीं ये क्या क्या तुम आमना को भड़का रहे हो? मैं आमना को भड़का रहा हूँ? अरे छोटी बच्ची है क्या वो? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के हाथों वो बेवकूफ बन गई, और मजीद कितना बेवकूफ बनाओगे? तारीफ का शुक्रिया। बकवास छोड़ो ये बताओ कि ये हिस्से का ड्रामा क्यों कर रहे हो? अरे सासू माँ रशीद अब्बा की जायदाद में आमना का कानूनी और शरई हिस्सा है, इसमें कौन सी गलत बात है? गलत बात यह है कि जिस तरह तुम पहले पैसे बर्बाद कर चुके हो इस तरह ये पैसे भी तुम बर्बाद कर दोगे, इस बात का डर है मुझे। अभी तक भागा हूं क्या? देखो मेरी नजरों में ना तुम हमेशा से मशकूक थे और मशकूक ही रहोगे। अरे सासू माँ आप हिस्सा पहले दे तो सही, फिर देखते हैं कि मैं उस हिस्से का गलत इस्तेमाल करता हूँ या सही। मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ वरना तुम्हें एक टका नहीं देती, समझे? बस सासू माँ यही समझ ले कि उसी मोहब्बत का मैं नाजायज फायदा उठा रहा हूँ, चलता हूँ। कमीना कहीं का। इसने जिंदगी अजाब बना दी हमारी, इसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। अरे ये क्यों भूल गई, मेरे पास तो अब माई मस्तानी है, इसको ना मस्ताना बनाया तो मेरा नाम शगुफ्ता नहीं।
मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो बोलो। मामा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? हाँ। आपा की तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बस मेरे पास भी अभी ही कॉल आई है। अब क्या करना होगा? मुझे जाना होगा। सूरत हाल ऐसी है कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। दिल तो मेरा भी नहीं है जाने का, लेकिन जरूरी भी है। हाँ, इस वक्त मैं उनके पास ही होना चाहिए था। कौन कहाँ जा रहा है? भाई ये वापस जा रही है। क्यों, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती का क्या कहूँ, बस मामा की तबीयत ठीक नहीं है। What? क्या हुआ आंटी को? सब खैरियत तो है ना? अगर अनीला की तबीयत खराब ना होती तो मैं तुम्हारे साथ चलता। तुम परेशान मत होना ज्यादा, वहां पहुंचते ही फिर मुझे अपडेट करना। जी। देखो जैसे ही अनीला की तबीयत ठीक होती है मैं आपा के पास चक्कर लगाता हूँ। जी अंकल, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। जाओ जाओ। अनिला नहीं उठी अभी तक? नहीं साहब। पता नहीं अल्लाह कब मेहरबान होगा हम पर। जी साहब, अल्लाह कब मेहरबान हो जाए ये तो किसी को भी नहीं पता। सही कह रही हो, बस दुआ करती हूँ। मेरी दुआएं तो अनिला बीबी के साथ। अनिला उठ जाए तो फिर तुम्हारी शादी का सिलसिला भी शुरू करेंगे। पहले नीला बीबी से त्याग तो हो जाए। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। साहब मैं बाहर की सफाई कर लूँ। ठीक है, जाओ तुम। जी ठीक है। मलिक साहब आपकी चाय। थैंक यू। मलिक साहब आपसे एक बात करनी है। बोलो। मलिक साहब मुझे लगता है कि अनिला भाभी पे किसी ने जादू करवाया है। ये बेवकूफी की बातें मत करो। मलिक साहब मैं ठीक कह रहा हूं। अच्छा, और हमें क्या करना चाहिए? मलिक साहब हमें किसी अमल से रब्ता करना चाहिए। तो मुझे किन चक्रों में डालना चाह रहे हो? ये सब बकवास है। मलिक साहब आपकी मर्जी है, आप मेरी बात ना माने। हर चीज को जादू से मत जोड़ा करो। ये आमिर लोग आम लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें भरते हैं बस। देखिए मलिक साहब, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी समझ में जो आया वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, आपने बता दिया ना। अब चाय पी लूं। शिवित थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राबिया। सर आज आप ऑफिस नहीं आए? नहीं राबिया, एक्चुअली घर में एक इमरजेंसी हो गई है। ओ अच्छा। राबिया कोई खास बात है? सर मैंने सिर्फ ये जानने के लिए कॉल की थी कि आज आप ऑफिस आएंगे या नहीं आएंगे। राबिया आज तो मुश्किल है, हो सकता है एक दो दिन और लग जाए। ठीक है सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ऑफिस के तमाम मामलात कंट्रोल में। ठीक है राबिया, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।